हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, और इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद में सरकार बन चुकी है, और सारे जो सरकारी कामकाज हैं वो सभी के सभी अपने ट्रैक पे आ चुके हैं और सुचारू रूप से चलने लगे हैं। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, तो उसी शुरुआत में बिहार सरकार की तरफ से कुछ पदों की जानकारी जो है वो दी गई है कि बिहार राज्य में कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो उन पदों को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको जॉब से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहती है। और साथ ही साथ में बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाला था उसको फॉर्म कैसे फिल करना था। तो मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होता है, लेकिन इस बार ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं। और थोड़ा जानकारी ये मिली है कि आज जो है लास्ट डेट है, और इसके जो फॉर्म हैं लखनऊ में जो कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहीं मिल रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है इस बार अभ्युदय वाले नहीं फिल हो पा रहे हैं, और जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने थे उसका कुछ प्रोसेस नहीं हो पाया है। जो अभ्युदय कार्यालय है उससे मैंने बात करी थी, तो उन लोगों ने ये जानकारी दी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानना, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे कुछ खास ये वीडियो लगा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको जो फ्री आई एस पी सी सी कोचिंग है उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। सबसे डायरेक्ट हम पदों पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सभी राज्य सरकार, जो जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से ये जो पद हैं इसका पूरा एक लिस्ट जारी किया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती की डिमांड जब की जाती है, तो शिक्षा विभाग एक बात कह करके पल्ला झाड़ लेता है कि जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वो बराबर है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या हर डिपार्टमेंट में जो अनुपात है वो बराबर है? तो जैसे बिहार सरकार ने अभी पदों की जो संख्या है वो जारी की है, ऐसा ही इस सभी राज्य सरकारें जो हैं इस तरीके से एक पूरा प्रारूप जारी करें और बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। ठीक है, और कितनी वहाँ पे जो है कार्यरत बल की संख्या, मतलब कितने लोग करंटली कार्य कर रहे हैं, और टोटल कितने पद जो हैं वहाँ पे रिक्त हैं। ठीक है, भले ही उन पदों की जो संख्या है वो हर साल 5,000-10,000 ऐसे करके भरे जाएं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और हर साल जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इस डिपार्टमेंट से जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी हो, वैकेंसीज हो प्रॉपर, और उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही अच्छी करी है बिहार सरकार ने। इसमें हम आपको टोटल बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बता दें कि टोटल यहाँ पे 4,72,976 जो पद हैं ये खाली हैं। ठीक है, 16,26,927 लोग स्वीकृत हैं, और 11,53,951 लोग जो हैं वो कार्यरत हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो शिक्षा विभाग में ही खाली हैं। 2,17,591 जो पद हैं वो शिक्षा विभाग में खाली हैं, मतलब इतनी वैकेंसीज होने के बाद में। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग 65,734 हैं। गृह विभाग की बात करें, जो होम मिनिस्ट्री होती है, उसमें 41,414 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। जो ग्रामीण विकास विभाग है उसमें 11,784 जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। इसी तरीके से पंचायती राज में 5,551 पद जो हैं, कृषि विभाग में 3,000 समथिंग पद हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 4,814 पद हैं। उसके बाद में यहाँ पे ओबीसी और जो कल्याण विभाग है उसमें 762 पद हैं, भवन निर्माण में 3,828 पद हैं, मंत्रिमंडल जो सचिवालय विभाग है उसमें तकरीबन 3,000 जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। उसके बाद वाणिज्य कर विभाग में, मतलब जो टैक्सेशन है, उसमें 1400 पद स्वीकृत हैं, सहकारिता विभाग में 2100 पद स्वीकृत हैं, आपदा विभाग में जो है 1,065 जो पद हैं ये खाली हैं, निर्वाचन विभाग में 25 पद खाली हैं, ऊर्जा विभाग में 5500 पद जो हैं वो खाली हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन जो है उसके परिवर्तन की बात करें पर्यावरण में, तो उसमें 2500 पद खाली हैं, वित्त विभाग में 1500 पद खाली हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 6,261 पद खाली हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में 3,845 पद खाली हैं, उद्योग विभाग में लगभग 677 पद खाली हैं, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1,074 पद खाली हैं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 31 पद खाली हैं, श्रम संसाधन विभाग में 5,039 पद खाली हैं। ये मान के चलिए आपने पहली बार ही ऐसे कुछ विभाग सुने होंगे जिसमें कि आपको पहली बार सुनाई पड़ रहा होगा। इसमें आपने कभी भी वैकेंसीज नहीं देखी होंगी, और पता नहीं इसमें वैकेंसी लोग किस तरीके से लेते हैं, संविदा पे लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, विधि विभाग में 128 पद खाली हैं। विधि विभाग की अगर बात करें तो कभी भी बिहार पीसीएस जो है जुडिशियली, मतलब कोई एग्ज़ाम बहुत रेयर करवाता है आई थिंक, क्योंकि बिहार यूपी में उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है एग्ज़ाम निकलता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं निकलता है।
खान एवं भूतत्व विभाग में, इसमें भी 300 पद खाली हैं, लगभग 7500 पद खाली हैं लघु जल संसाधन विभाग में, और कुछ योजना विभाग में भी ऐसे ही पद खाली हैं लगभग। राज्य और लेखपाल कह सकते हैं जिनको, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें 15000 पद खाली हैं, ठीक है। और पथ निर्माण विभाग में 2400 पद खाली हैं, ग्रामीण कार्य विभाग में 3300 पद खाली हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी में लगभग 6600 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति में 7100 पद खाली हैं, समाज कल्याण विभाग में लगभग 10000 पद खाली हैं, और यहाँ पर ऐसे ही परिवहन विभाग हो गया, निगरानी विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग में लगभग 13000 पद खाली हैं। इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 472976 पद जो हैं वो खाली आपको बिहार सरकार में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको किस विभाग में देखने को मिला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिक्षक भर्ती में देखने को मिल रहा है, और कोई भी शायद छोटे मोटे वैकेंसी से एक दो और कह सकते हैं, उसके अलावा कोई भी पद जो है आपको नोटिफिकेशन भी है कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है। टोटल 45 विभाग हैं और टोटल 44 विभागों में वैकेंसीज के पद जो हैं वो जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आपको सिर्फ हर साल आपको 3 से 4 नोटिफिकेशन कह सकते हैं देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अब शिक्षक भर्ती का हो गया है, दूसरा BPSC का हो गया है, और बाकी जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं BSSC का जो एग्ज़ाम होता है वो हो गया है, बाकी और किसी भी विभाग में आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि इन्होंने अपने जो पद हैं वो डिक्लेयर किए हैं कि हाँ हमारे विभागों में इतने इतने पद खाली हैं। ऐसा ही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ में उत्तराखंड में, या जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी राज्य में आप लोग रहते हैं, उस राज्य से संबंधित जो वैकेंसीज़ हैं उसका ऐसे ही एक ब्यौरा सरकार जो है वो पेश करे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।